जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबर के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद होगी प्रेस ब्रीफिंग। इटावा से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, महिला समेत तीन बच्चों की निर्मम हत्या, मचा हड़कंप। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस जांच में जुटी। देवरिया मामले में हरकत में आया प्रशासन, सीएम के आदेश के बाद डीएम ने बनाई 8 टीमें, अधिकारियों की 8 टीमें करेंगी जांच। सीएम ने 24 घंटे में मांगी है जांच की रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। इटावा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, अज्ञात बदमाशों ने महिला समेत तीन बच्चों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। वहीं मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। काशीराम कॉलोनी से महिला अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी और उसका पति मजदूरी करता है। महिला खाना खाकर अपने बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। वहीं आरोपी ने महिला की हत्या कर बच्चों को छत से फेंक दिया। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर एसपी सिटी विनीत जायसवाल, सिविल लाइन इंस्पेक्टर संजय त्यागी समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि 48 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के मुख्यमंत्री के चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन सरकारी अस्पतालों में संवेदनहीनता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बुंदेलखंड के बांदा में जिला अस्पताल के हालात में कोई तब्दीली नहीं देखने को मिल रही। ये हाल किसी दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र के नहीं बल्कि चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा के जिला अस्पताल का है, जहां सुबह से ही दूरदराज से सैकड़ों मरीज अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ही गायब हैं, जिसके चलते मरीज को वापस लौटना पड़ा। हाँ, अच्छा दिखाने आई हो डॉक्टर को? क्या डॉक्टर नहीं है यहाँ पर? कितनी देर से बैठी हो तुम यहाँ पर? हम सुबह से बैठी हैं। सुबह से बैठी हो? हाँ, अभी तक बजे आ गए, 8 बजे अभी तक नंबर नहीं आया। नहीं आया। सभी चिकित्सकों को 8 बजे से 2 बजे तक अपने कक्ष में बैठने के निर्देश है। यदि वो किसी वजह से नहीं थे तो हो सकता है कोई इमरजेंसी ड्यूटी कोर्ट एविडेंस वगैरह हो सकती है, या किसी वजह से होगा उसका हम पता करवाएंगे क्या वजह से। कानपुर के नौबस्ता इलाके से हंसपुरम में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हुई लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बैंक में ताबड़तोड़ बमबाजी कर कैश लूटने वाले मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि 1 आरोपी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि बीती 3 अगस्त को नौबस्ता के हंसपुरम स्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े बैंक में बमबाजी करते हुए 3 नकाबपोश बदमाशों ने करीब 4,40,000 रूपये लूट लिए थे। बाइक से भागते वक्त कुछ लोगों ने बदमाशों का वीडियो भी बना लिया था। पुलिस ने फुटेज और मुखबिर की मदद से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच गई और घटना का आवरण करते हुए 2 आरोपियों सूरज उर्फ विल्सन और मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूट के 2,23,000 रूपये बरामद कर लिए हैं। फिलहाल 1 आरोपी को राजकुमार, जो की अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल बुलवा लीजिए। बाकी इसमें इसके होने के बाद इतनी सूचनाएं आई, कई बार कंफ्यूजन भी हुआ, बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको दी। कम से कम इससे मिलते जुलते 25-30 लोगों में नाम बताया, उसमें से एक को आइडेंटिफाई करना भी एक टास्क था। लेकिन मिला के अगर जब सूचनाएँ 2-3 चैनल से वेरीफाई हुई,
मीडिया के माध्यम से और वहाँ के आपस लोगों के माध्यम से, और फिर जब गरबा की सर्च की गई उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मुझे उनके माध्यम से वेरीफाई की तब से उसके हिसाब से इस तरह की जो मोड़े सोपड़ी की कई घटनाएँ हुई हैं, घटनाएँ बर्राम में हुई है, एक दुबई में हुई है, जालौन में हुई है, उनमें इनकी भूमिका देखी जा रही है। कुछ के तस्वीर उसके हमारे पास हैं और उसमें मैच किए जाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति जो है अभी सही गिरफ्तारी पाई है। शहर में बारिश व नदी फटने से पेयजल समस्या, जल भराव व गंदगी समेत गड्ढा युक्त सड़कें ठीक न होने पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ विधायक ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के विधायक सुहेल अंसारी ने बताया कि जिस तरह बारिश में नगर निगम व इस नकारा प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, उससे शहर का हर एक नागरिक परेशान है। जहां कई इलाकों में भीषण जल भराव की बाढ़ की स्थिति है, वहीं कूड़ा नौटने से शहर में भीषण गंदगी व्याप्त है। पेयजल संकट बढ़ गया है। पीने के पानी में सीवर व बारिश का गंदा पानी आ रहा है। इस गंदगी से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। ज्ञापन दे करके उनका ध्यान जल भराव की ओर आकर्षित कराया है। उनसे ये बताया है, कहा है कि अगर नगर निगम समय रहते सचेत होती तो जो जल भराव के कारण तमाम परिवार हमारे पीड़ित हुए, तमाम परिवार भुखमरी के कगार पे पहुंच गए, ये हालात नहीं पैदा होते हैं। बरसात से पहले जो नालों की सफाई की जाती थी वो केवल नगर निगम द्वारा खानापूरी की गई, कागजी खानापूरी के चलते ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं दूसरी रात देखिए कानपुर की सड़कें जो PWD और नगर निगम द्वारा बनाई गई हैं, गुणवत्ताहीन सड़कें हैं, बजरी और कंक्रीट पूरे शहर में फैली हुई है। देखिए सही समय के साथ साथ ये जो कमीशनबाजी हुई इसमें नाले की सफाई के नाम पर जो धोखा जनता के साथ किया गया, नाले की सफाई दिखाई गई लेकिन नाले की सफाई हुई नहीं। अगर नालों की सफाई हो गई होती तो पानी थोड़ी देर भरता उसके बाद निकल जाता, ये चार चार पाँच पाँच दिन जल भराव नहीं होता। तो मेरी तो मांग ये है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार नेता हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। बुंदेलखंड के बांदा में दहेज के लिए फिर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मामला मरका थाना क्षेत्र के गोंडा इंगवा का है, जहां राजू यादव की 22 वर्षीय पत्नी गुड़िया का शव उसके ससुराल में ही फांसी से लटका दिया गया। मृतिका की 4 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराली लोग दहेज में 1 लाख रुपए और सोने की जंजीर की लगातार मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने बेटी का गला घोंट कर हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। और वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतिका के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। थाने में पहलानी थाने में सूचना मिली है कि पहलानी थाने के अंतर्गत श्रीमती छद्दी वाइफ ऑफ राजेंद्र प्रसाद निषाद उन्होंने कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है। उनके मायके वाले आए हैं, ललौली थाने के जनपद फतेहपुर के निवासी हैं। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई तहरीर नहीं दी है और इस संबंध में उनका पंचायतनामा भरा जा चुका है, PM के लिए भेजा जा चुका है। जैसे ही तहरीर आएगी या PM रिपोर्ट आएगी उसका पता चलेगा। ये ने मार के टांग दिया है सर, अब देखो उसकी पीठ भी अभी काली है, फांसी लगाता है, जीभ भी निकल जाती है, गला सूज जाता है, कुछ नहीं है, खबर भी नहीं दिए। दूसर बताए ना हमका। झांसी जिले के थाना नवाबद अंतर्गत सिविल लाइन में बने सेल टैक्स ऑफिस में उस समय हंगामा हो गया जब महिलाओं ने एक सिरफिरे युवक की जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने बताया कि आरोपी युवक अंकुर निगम
सेल टैक्स ऑफिस में वकालत करता है और देर रात किसी भी के घर में फोन करके उन्हें परेशान कर पैसे की नाजायज मांग करता है। वहीं इस मामले में सिरफिरे युवक की पत्नी ने भी रोते हुए आपबीती बताई। सिरफिरे युवक की पत्नी ने कहा कि उसका पति आए दिन उसको परेशान करता है, उसके साथ मारपीट करता है। इस मामले में थाना पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी उसको 2 बार 151 में पाबंद किया जा चुका है। पूरे घर को परेशान कर रहा। पैसा दो। किस चीज का पैसा मांगता है? खुद तो कमाना नहीं है कुछ। कौन है ये? ये हमारे ताऊ जी का लड़का है। अच्छा अच्छा, क्या करता था ये? ये एडवोकेट है अंकुर निगम, जो आज भिखारी बने घूम रहे। खुद तो कर नहीं सकते, पैसा मांग रहे, पैसा दो नहीं तो हम मारेंगे आप लोगों को। कानपुर देहात में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के बाद जनपद की सभी तहसीलों के कई गांव जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। जल भराव के चलते कई मकान भी गिर गए थे, जिससे 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन ने बचाव कार्य भी तेज कर दिया था। बारिश में बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए कई स्वास्थ्य टीमों को गाँव में लगाया गया, जिसकी जानकारी डीएम जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। ये था कि कानपुर देहात जनपद में जो बीते दिनों जो अतिवृष्टि हुई है, जो बहुत ज़्यादा पानी बरसा, और उसकी वजह से कुछ तहसीलों में, कुछ गांवों में जलभराव की स्थिति रही। कुछ ग्रामों में पांडू नदी जो और रिंद नदी, सेंगुर नदी, इसके जलस्तर में थोड़ा वृद्धि होने के कारण वो गांव के चारों तरफ पानी इकट्ठा होने की स्थिति रही। ऐसी जगहों पर जहां पर पानी गांव के चारों तरफ आया और लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया, उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था की गई। कानपुर के डीएवी कॉलेज के छात्र नेताओं ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर जाम लगाकर कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बाहर निकालने का प्रयास कर रहे लोगों को छात्रों ने अभद्रता की उनके साथ, और छात्रों के हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे छात्रों ने शहर की सबसे प्रमुख सड़क वीआईपी रोड को जाम रखा। आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज में 500 सीटें बढ़ाई जानी थी, जिसको लेकर कॉलेज मैनेजमेंट प्रयास करता रहा, लेकिन सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कुलपति ने किसी भी कीमत पर सीटें बढ़ाने से मना कर दिया है। जबकि पहले के सालों की तर्ज पर डीएवी कॉलेज ने 500 अतिरिक्त सीटों पर छात्रों से फॉर्म भरवा लिया है। अब जब विश्वविद्यालय ने सीटें बढ़ाने से मना कर दिया है, तो इन छात्रों का 1 साल बर्बाद होता दिख रहा है। ऐसे में छात्र नेता सीटें बढ़ाने की मांग करने को लेकर आंदोलित हैं। जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के सभी वरिष्ठ वर्तमान छात्र नेता उपस्थित हैं। ये प्रदर्शन डीएवी कॉलेज में सीट वृद्धि के लिए हो रहा है। डीएवी कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज, इस कॉलेज ने देश को प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक दिया है। उस कॉलेज के लिए वीसी ये कह रही है कि अगर तुम लोग डीएवी कॉलेज के छात्र नेता होते तो मैं तुमसे मिलती ना, और 200 सीटें बढ़ाई। समस्या में मात्र इसकी है कि सीट्स बढ़ाने के लिए महाविद्यालय ने आवेदन किया था और जो रिक्विजिट सीट्स थी वो नहीं बढ़ी, और फिर जिन विद्यार्थियों के फॉर्म लिए गए थे उन्हें वापस करने पड़ेंगे। ये जानकारी जब विद्यार्थियों को मिली तो वो उत्तेजित। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुस्कान स्माइल करेगी, चिंटू चीकू चंदू भी स्माइल करेंगे, फिर चंदू के चाचा, चाचा की मामी, मामी का ब्रदर, ब्रदर की राखी सिस्टर भी स्माइल करेगी, पूरा भारत स्माइल करेगा भाई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बटर से भरा ब्रिटानिया गुड डे अब सिर्फ 5 रुपए में। तो चलो इंडिया, लेट्स हैव अ गुड डे।
क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, योग की, योगी की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर में रहिए। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। बस में मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। कन्नौज जिले के सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला सपा नेत्रियों ने चकिया चलाया और चूल्हे पर रोटी बनाकर विरोध दर्ज किया। नाराज सपा नेताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, जिसे अब वो भूल गई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान सपा की महिला नेत्रियों ने योगी और मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। पालेंगे, चूल्हे में रोटी बनाएंगे तो करेंगे क्या? योगी को कहाँ ढूंढे? उसके बच्चे हैं नहीं, उसके बीबी है नहीं, तो उसको औलाद की दर्द भी क्या है? दर्द तो किसान से पूछिए जिसके दिल में आग जल रही है। जो मजदूर बेचारा अपना एक कैसे अनाज बोता है, अनाज बो के आता है, इतनी महंगी खाद डालता है, वो साढ़ चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो जिस तरह से प्रदेश और देश में महंगाई का माहौल है, और खासतौर से जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय और किसान नौजवान सारे के सारे लोग परेशान हो चुके हैं, और समाजवादी पार्टी ने सरकारी गलत नीतियों का जिस तरह से चाहे गैस की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सब पे इतना बेताशा वृद्धि कर दी है कि आम जनमानस परेशान हो चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा आज कानपुर में दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर कानपुर से, अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा का आज होगा कानपुर दौरा। सर्किट हाउस में विकास कार्यों का और वाणिज्य कर विभाग में करेंगे समीक्षा। रात्रि में विश्राम के बाद कल लौटेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से, अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा का कानपुर दौरा। सर्किट हाउस में विकास कार्यों व वाणिज्य कर विभाग की करेंगे समीक्षा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अभिलाष, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जैसा कि आज दौरा है अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा का, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका आज? जी आपको बता दें कि आलोक सिन्हा दोपहर करीब 3:30 बजे सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे, जहां पर वो विकास कार्यों और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम उनका वहीं सर्किट हाउस में ही होगा, और कल सुबह से 8 बजे से वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसमें उनके साथ
शहर के जो उनसे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी, जैसे कि पहले से कार्यक्रम निर्धारित है तो क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं उनके आने के चलते, इस दौरे के चलते? जी देखिए, जो दो विभागों की समीक्षा उनको करनी है, उन दोनों विभागों के अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका कहना है कि समीक्षा बैठक होनी है जिसके लिए उन्होंने पूरा खाका तैयार कर रखा है जो वो अपर मुख्य सचिव के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो और समस्याएं उनके विभाग की हैं वो उनसे अवगत कराएंगे और जो आगे की रणनीति है उसकी भी बात उनके सामने रखी जाएगी। जी, तो क्या कुछ कितना समय लग सकता है इस कार्यक्रम में? इसके अलावा भी कुछ उनके बारे में बताया जा रहा है, कुछ अचानक से औचक निरीक्षण की कोई बात हुई क्या? ये देखिए, औचक निरीक्षण की भी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आज का उनका कार्यक्रम है वो सिर्फ समीक्षा बैठक का है और जो कल सुबह से 8 बजे से उनका कार्यक्रम है वो स्थलीय निरीक्षण वो करेंगे, जिसके लिए लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। औचक निरीक्षण वो कर सकते हैं क्योंकि जब शहर में रहेंगे, रात्रि विश्राम वो शहर में ही करेंगे, तो हो सकता है कि वो कोई औचक निरीक्षण भी करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस खबर पर अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर कानपुर से दे रहे थे जहां पर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा का आज कानपुर दौरा है। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में विकास कार्यों व वाणिज्य कर विभाग में कार्यों की समीक्षा करेंगे और फिर रात्रि विश्राम के बाद कल लौटेंगे। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा का है आज कानपुर दौरा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां 2014 के चुनाव में हुए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने चेतना चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिलाध्यक्ष मोइन खान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इस ईवीएम की सरकार का तमगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने अगले चुनाव में सपा को लाने का मन बना लिया है। अभियान में भारी संख्या में सपाई शामिल रहे। ये जो केंद्र में और प्रदेश में मोदी की और योगी की सरकार बनी है, ये ईवीएम की सरकार है, जनता द्वारा मैंडेट की सरकार नहीं है। जनता ने मैंडेट किसी और को दिया, वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी खाते में। इन्होंने विदेशों से आए एटीएम्स को हायर करके, जिस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ करके, ईवीएम की चिप में छेड़छाड़ करके, ये जो गूंगी बहरी सरकार, निरंकुश सरकार, जिसके हृदय में दिल नहीं है, जिसको किसान की पीड़ा नहीं, छात्र नौजवान मजदूर की पीड़ा नहीं, देश बदहाली के रास्ते में जा रहा है। और इधर धर्मनगरी चित्रकूट में भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित सृष्टि के प्रथम शिवलिंग मत्तंगेंद्रनाथ के जलाभिषेक का पूजन किया गया, जहां जल देश भर से आए हजारों शिव भक्तों का रेला लगा रहा। सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यहां पर भगवान शिव के दर्शन करने का अपना ही विशेष महत्व है, क्योंकि मत्तंगेंद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के 4 शिवलिंग हैं जो विश्व में कहीं भी स्थापित नहीं है, इसलिए ये अपने आप में काफी अद्भुत है। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। डीएम और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने यहाँ 108 कुंड बना के यज्ञ किया था। उसके पहले ब्रह्मा जी ने महाराजा धीराज श्रीमद्गेन्द्रनाथ जी की स्थापना की। ये चित्रकूट के राजा हैं। फिर प्रभु रामचंद्र जी वनवास काल में आए, उन्होंने यहाँ इनसे आज्ञा लेके यहाँ 11.5 वर्ष निवास किया। उसके पश्चात उन्होंने भी एक मूर्ति की स्थापना की। एक मूर्ति रामचंद्र जी के द्वारा है, एक मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा है, एक मूर्ति अत्रिमुनि के द्वारा, और एक मूर्ति कुछ लोग विद्वानों का मत है कि रावण के पिता विश्वेश्वरा, कुछ विद्वानों का मत है कि पन्ना के राजा मंदिर बनवाए थे उनके द्वारा। झांसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत टेक्नीशियन की पत्नी के हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। इन बदमाशों पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। बताया गया है कि ये दिल्ली से यहाँ आए हैं और नागपुर भागने की फिराक में थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ लिया है। नवाबाद थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज परिसर में दिनांक 17/5/18 को एक महिला की हत्या कर उसके घर से जेवर आदि की लूट की गई थी, जिसके संबंध में नवाबाद थाने मुकदमा पंजीकृत था और एक बिल्डिंग पहले पकड़ा गया था।
चार बुलदिन इससे वांछित चल रहे थे काफ़ी समय से, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी और इन पर रिवार्ड भी घोषित किया गया था। आज उन्हीं चारों बुलदियों की गिरफ्तारी हुई है रेलवे स्टेशन के पास से, और उनसे घटना में जो प्रयोग किया गया था हत्या के लिए सरिया, एक मोबाइल और कुछ जेवर बरामद हुए। इधर झांसी के ही मऊरानीपुर इलाके में जबरन नसबंदी कर स्वास्थ्य कर्मियों ने आधा दर्जन लोगों के साथ भद्दा मजाक किया। दरअसल मऊरानीपुर इलाके के बुढ़ाई गांव में तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने ग्रामीणों की जबरन नसबंदी करा दी। इस बात का पता उस वक्त चला जब पीड़ित बालादीन कुशवाहा और कोमल कुशवाहा की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने जब इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके पतियों की नसबंदी कर दी गई है, जिससे परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। इस मामले में एसडीएम को सीएम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार ने जांच कर दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ध्यान में आया है ये मऊरानीपुर ब्लॉक के बड़ई गांव का मामला है, और जो अभी प्रथम दृष्टया हमने पाया है इसमें वो यही है कि पेशेंट को जो है मोटिवेट किया गया है, मोटिवेट करके उनको सारी चीज़ें समझाई गई हैं, उनसे रिटर्न में कंसेंट ली गई है, और कंसेंट लेने के उपरांत उन्होंने कंसेंट दी है तब उनका जो है नसबंदी ऑपरेशन किया गया है। और यदि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इसमें हम विस्तृत जाँच करा रहे हैं, यदि कोई इसमें गंभीरता पाई जाती है और कोई दोषी पाया जाता है वास्तव में जाँच में, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हमारे साथ हुआ है कि हम लोग गांव में थे, एक लड़का है प्रजापति, हीरालाल प्रजापति, वो मेरे से बोला यार मेरे साथ मऊरानीपुर चलो। हमने क्यों किस लिए, बोले यार एक छोटा सा इंजेक्शन लगना है, बोले हमारा मतलब कोई काम हो वो हो जाएगा। हमने भाई और कोई काम तो नहीं है गड़बड़ी का, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं, तो वो बोले नहीं भाई ऐसा कोई काम नहीं है। हमने कहा कोई ऐसा काम होगा भैया सामान लेना, बाद में लफड़ा होगा, हम तुमको बहुत मारेंगे, बोले नहीं भाई सबसे कोई काम ही नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर फरखाबाद से, जहां बदमाशों का कहर सामने आया, मारपीट करके ली करी है लाखों की लूट। बड़ी खबर फरखाबाद से, बदमाशों का कहर सामने आया, मारपीट कर हुई लाखों की लूट। घर के चार लोगों के साथ की मारपीट और लूट लिए लाखों रुपए। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, हालांकि एसपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। घटना कांदलाली कायमगंज के रामपुर की है। बड़ी खबर फरखाबाद से, बदमाशों का कहर सामने आया, मारपीट करके लूट लिए लाखों। घर के चार लोगों के साथ की मारपीट और लूट कर ली लाखों की लूट। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, एसपी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएमडी न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।